नमस्ते प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हैं और सत्ता और विविधता को समझ रहे थे। तो सत्ता को इससे पहले वाले वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट समझ लिया है। आज हम देख रहे हैं विविधता, यानी ये इस लेसन का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और विविधता को अगर आपको पता हो तो अचित्यपूर्णता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि विविधता क्या है। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट यहाँ पे नोट कर लिए ताकि आपको सिर्फ समझा सकूँ, पढ़ाने में टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया। लेकिन फिलहाल समझ ले विविधता क्या है, औचित्यपूर्णता क्या है। तो विविधता वेद यानी सही, यानी कोई भी व्यवस्था जो किसी विश्वास पर टिकी हो, तो उसमें जब विश्वास जुड़ जाता है तो वो विविधता ग्रहण करती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सरकार है और सरकार बिना जीते ही, कोई पार्टी बिना जीते ही अगर सरकार में आ जाती है तो उसके पास वह पावर व सत्ता नहीं रहेगी। या मान लीजिए वह पावर और सत्ता रहे लेकिन वह सत्ता अगर सही नहीं है, लोगों को उस सत्ता पर विश्वास नहीं है, तो वह सत्ता ख़त्म हो जाएगी। यानी हर चीज़ के पीछे सही होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति विज्ञान में भी बात करें तो जब कोई भी व्यवस्था में शक्ति, प्रभाव और बल तभी तक टिका रह जा सकता है जब उसमें विविधता हो, जब उसमें औचित्यपूर्णता हो। औचित्यपूर्णता का भी मतलब, दोनों का सिमिलरिटी है, औचित्यपूर्णता का मतलब होता है औचित्य, सही। फलानी चीज जो भी है, क्या वो वर्तमान में औचित्यपूर्ण है, क्या वो सही है, क्या ये जो सरकार है ये सरकार वर्तमान में औचित्यपूर्ण है, औचित्यपूर्ण मतलब सही है, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह से विविधता को हम कहते हैं एज अ कानूनी विश्वास जुड़ा होता है उसके पीछे। अब इसको ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आगे जब हम पढ़ते हैं। तो विविधता का मतलब आप सिर्फ यही समझना है कि शक्ति के अंदर जब लोगों का विश्वास हो और विश्वास से वह शक्ति लगातार आगे सही काम करती रहे तो उसमें विविधता आ जाती है, सही चीज़ें आ जाती हैं। वैसे समझाएंगे आगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। फिलहाल देखें कि जो औचित्यपूर्णता है उसकी अवधारणाओं को अगर देखें तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हद तक विविधता को सिमिलरिटी माना जाता है। विविधता को सिमिलरिटी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शक्ति, सत्ता और प्रभाव औचित्यपूर्णता की सिमिलरिटी है। लेकिन अगर बता दें कि किसी के पास शक्ति है, शक्ति की वजह से वह किसी व्यवस्था को कब्जे में कर लेता है, ठीक है ना। जैसे गब्बर के पास शक्ति है, उसने इस शक्ति के बलबूते पे किसी राज्य, किसी गांव पे कब्जा कर लिया, लेकिन वह परमानेंट नहीं रह सकता क्योंकि शक्ति कम और ज़्यादा होती रहती है। लेकिन इस शक्ति के साथ अगर विविधता जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, विविधता, तब वह क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। विविधता मतलब होता है स्थायी, कि भाई फलानी शक्ति को लोगों ने स्वीकार कर दिया, अब वह सही शक्ति है, वह सही काम कर रही है, तो फिर उसमें विविधता जुड़ जाती है तो वह स्थायी हो जाती है। तो बिना विविधता के, बिना औचित्यपूर्णता के न शक्ति, न प्रभाव, न बल स्थायी रह सकता है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा अर्थ आपको समझ लिया, और अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम यहाँ पे विविधता औचित्यपूर्णता को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो औचित्यपूर्णता है वो लेजिटमस वर्ड से बना है, और लेजिटमस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का है। कहाँ का, लैटिन भाषा का। और अंग्रेजी में इस लेजिटमस का अर्थ होता है लॉफुल। क्या होता है, लॉफुल यानी कानूनन, सही। तो इस तरह से फाइनल ये क्लियर हो जाता है कि विविधता का मतलब है वैधानिक, वैधानिक मतलब कानूनन सही, कानून सही या कानूनन, इस तरह से आप समझ लीजिए सही। तो इस तरह से लेजिटिमस का मतलब होता है कि कानूनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग वह एकदम सही है, औचित्य है, लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो प्लेटो ने जब भी औचित्यपूर्णता को अपने न्याय संबंधी विचारों में समझाया हुआ है। प्लेटो ने अपने जो न्याय संबंधी विचार दिए थे इसके अंतर्गत उसने औचित्यपूर्णता को समझाया है कि न्याय तभी आएगा जब लोगों को फलानी व्यवस्था पर विश्वास हो। यानी कोई भी राज्य की व्यवस्था, राजा की व्यवस्था अगर सही है, अकॉर्डिंग टू औचित्यपूर्ण है, कानूनन सही है, तब उसमें विविधता आती है। तो न्याय भी विविधता की एक मिसाल होती है।
अपने खुद अरस्तु ने भी, जो राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता, उन्होंने भी कानून संवत या संवैधानिक शासन में औचित्यपूर्णता का चित्रण किया है। उन्होंने अपने एक संवैधानिक शासन की बात कही थी, तो संवैधानिक शासन यानी संविधानन, तो संविधान को कौन बनाता है, आम जनता की स्वीकृति से बनता है, तो इसका मतलब संविधान एक औचित्यपूर्ण कहलाता है, क्योंकि संविधान पर लोगों का विश्वास होता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो ये जो औचित्यपूर्णता है, कानून संवत यानी कानून के बराबर है, कानून के समान है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मैंने यही कहा है औचित्यपूर्णता यानी कानून सही। ओके, इस तरह से जॉन लॉक ने कहा है, सहमति और समझौते के माध्यम से ये विचार दृढ़ हो जाता है, इसका समर्थन किया इसने। इसने कहा है कि किसी बात पर लोगों की सहमति हो, किसी बात पर लोगों की क्या हो, सहमति हो और समझौते के द्वारा टिकी हो, तो उसमें विविधता आती है और औचित्यपूर्णता आती है। देखो अगर कन्फ्यूज हो रहे तो एक सिंपल सी थिंग्स बता दूं कि अपने गांव में कोई राज कर रहा है और उसके पास शक्ति है, शक्ति के बल पे वह लोगों को दबा सकता है, लेकिन लोगों के दिल में राज नहीं कर सकता हमेशा के लिए, वह लोगों के लिए एज राजा नहीं बन सकता, ठाकुर नहीं बन सकता, जब तक कि वह अपनी शक्ति को सही कार्य में नहीं लगाए, अपनी शक्ति के बलबूते सही व्यवस्था नहीं बनाए, अपनी शक्ति को एज ए कानूनन रूप में, व्यवहारिक रूप में लोगों के लिए यूज नहीं करे, तब तक उसमें औचित्यपूर्णता, कानून सही बात होना या विश्वास नहीं जुड़ता जब शक्ति में, तब तक वह शक्ति ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि शक्ति कभी कम कभी ज़्यादा होती है। तो शक्ति भी तभी स्थायी रहती है जब उसमें विविधता हो। ठीक है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो बिना लोगों के परमिशन के वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। जब लोगों ने उस सत्ता को, लोगों ने राजनीतिक पार्टी को उस सत्ता को एज वैधानिकता के रूप में स्वीकार कर लिया, तब वह स्थायी रहती है, तब वह मुख्यमंत्री या कोई भी हो वह स्थायी रहता है। यानी राजनीति के अंदर तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी रहने के लिए उसे वैधानिकता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस तरह से आधुनिक समय की बात करें तो मैक्स वेबर ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए औचित्यपूर्णता को बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा है आज के समय ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको स्थायी बनाए रखने के लिए, इसको चलाए रखने के लिए औचित्यपूर्ण होना अति आवश्यक होता है। औचित्यपूर्ण को एक और वर्ड से कह सकते हैं न्यायपूर्ण। कोई व्यवस्था अगर न्यायपूर्ण होगी तभी तो लोगों का उस पर विश्वास होगा और वह व्यवस्था कंटिन्यू चलती रहेगी। तो बिल्कुल मैक्स वेबर ने भी यही कहा है कि आधुनिक समय में जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिस देश की जो व्यवस्था है वो तभी टिकती है जब वो औचित्यपूर्ण हो, सही बातों पर चलती हो, उसमें वैधानिकता हो, कानून वो सही बात हो, तभी टिकती है। तो ये अर्थ काफ़ी बार मैं आपको बताते रिमाइंड करवाते जा रहा हूँ ताकि ये 100% दिमाग में सेट हो जाए। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण परिभाषा से, जो परिभाषा दी है SM Lipset ने परिभाषा दी है कि औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता से है, मैनेजमेंट की उस क्वालिटी से, उस योग्यता से है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जाए, उस विश्वास को स्थिर रखा जाता है और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था समाज हेतु व समुचित उपयोग है। समझ में आया, देखिए वापस समझिए, औचित्यपूर्णता उस व्यवस्था को कहा जाता है जो किसी योग्यताधारी व्यक्ति के पास आती है और उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जाए और विश्वास को बनाए रखा जाए, तभी वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था भी सर्वाधिक समुचित उपयोगी होती है। तो इस तरह से आप यहाँ तक मेरा अंदाजा है कि आप औचित्यपूर्णता को अच्छी भली भांति समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये जो औचित्यपूर्णता है इसकी विशेषता क्या है, औचित्यपूर्णता की विशेषता क्या है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अगर पढ़ें तो ये एक इम्पोर्टेंट बात से समझना है कि औचित्यपूर्णता का मतलब होता है सही कानूनन, कोई बात अगर सही टिकी है, लोगों का उस पर विश्वास है तो वो औचित्यपूर्ण कहलाती है। शक्ति भी तभी रहती है स्थायी जब लोगों को उस शक्ति के ऊपर विश्वास हो, वरना शक्ति कभी कम कभी ज़्यादा, कोई आज राजा है कभी रंक हो जाता है, इस तरह से रहता है। तो बात करते हैं
औचित्य पूर्णता की विशेषता यानी वेदता की विशेषता। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि औचित्य पूर्णता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता बात करें औचित्य पूर्णता की, जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, औचित्य पूर्णता की धारणा में एक विशेष औचित्य पूर्णता की धारणा में एक विशेष क्या, विशेष बिलीव यानी विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता, विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। देखो ये सिंपल है, इसका एक करेक्टर स्पेशलाइट देख रहे हैं, कैरेक्टर देख रहे हैं कि औचित्य पूर्णता क्या होती है। औचित्य पूर्णता एक प्रकार का विश्वास होता है। औचित्य पूर्णता जहाँ पे भी होगी वहाँ पर वह लोगों में विश्वास के जरिए पनपेगी। मान लीजिए हम किसी राजा को दिल से मानते हैं, उसके ऑर्डर को हर प्रकार से फॉलो करते हैं, राजा ने जो कहा हम मरते दम तक करते, क्यों? क्योंकि राजा सही है, राजा का पावर सही है, यानी हमें राजा की शक्ति पर विश्वास है। तो यही विश्वास औचित्य पूर्णता कहलाती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि औचित्य पूर्णता एक विश्वास विकसित करने की क्षमता होती है, यानी जहाँ पर औचित्य पूर्णता होगी विश्वास ऑटोमेटिक डेवलप होता है। पहली विशेषता होती है कि औचित्य पूर्णता के द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी है औचित्य पूर्णता की धारणा के साथ, औचित्य पूर्णता की धारणा के साथ यानी ये जो औचित्य पूर्णता के जो विचार है ना, इस विचार के साथ प्रभावकता की धारणा संबंध है, के साथ प्रभावकता की धारणा संबंध है। देखिए जो औचित्य पूर्णता है ना, औचित्य पूर्णता का ये जो विचार है उसके साथ प्रभावकता जुड़ी होती है, यानी अगर फलानी व्यवस्था सही है तो उसका प्रभाव जमता है। आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों? क्योंकि आपको लगा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आपको विश्वास है, आप कंटिन्यू मेरी क्लास ले रहे हैं, तो इसका मतलब अब मेरा प्रभाव, मेरा असर है वो जम गया सब जगह मेरा ये प्रभाव जमा है। मेरे पास ये इफेक्ट प्रभाव क्यों आया, क्यों आपको विश्वास हुआ? क्योंकि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे द्वारा आपको औचित्यपूर्ण पढ़ाया जा रहा है, यानी वैधानिक। तो इस तरह से ये कहें कि औचित्यपूर्णता होती है ना, उसके विचार में प्रभाव होता है, वह जहाँ पर जाती असर छोड़ जाती, हम जहाँ पर भी जाएंगे आपके दिल दिमाग में असर छोड़ जाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि एग्ज़ाम तक दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि एग्ज़ाम को चुटकियों में हल कर लेंगे, एग्ज़ाम में इजी नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको मुझ पर ट्रस्ट हुआ, मुझे आप पर ट्रस्ट हुआ, तो इस तरह से एक प्रभाव, एक असर, एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट बना और ये आपको आगे ले जाता है। तो बस यही बात यहाँ पर भी होती है कि औचित्य पूर्णता हर जगह इफेक्ट असर दिखाती है। तीसरी विशेषता की बात करें, किसी व्यवस्था का औचित्य, किसी व्यवस्था का औचित्य मतलब सही, कि फलानी चीज क्या सही है, औचित्यपूर्ण है, कानूनन सही है, क्या वर्तमान में छोटे बच्चों को शादी करनी चाहिए, क्या ये औचित्यपूर्ण है? नहीं है ना। तो औचित्य मतलब सही होना। तो यहाँ पे बात करें किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों, औचित्य संबंधित लोगों, संबंधित लोगों के मूल्य पर निर्भर करता है, लोगों के मूल्यों पर निर्भर होता है। अब इस लाइन को भी समझ लीजिए, इस विशेषता को, किसी व्यवस्था में, मान लीजिए किसी भी देश की कोई भी व्यवस्था है,
उस व्यवस्था के अंतर्गत औचित्य चीज़ है वह उन लोगों के मूल्यों से जुड़ी होती है। जैसे भारत में ये भारत का जो लोकतंत्र चल रहा है और ये जो सरकार इस लोकतंत्र को चला रही है, ठीक है, तो इसमें ये एक सही सिस्टम चल रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था औचित्यपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोगों ने इसको वैल्यूएबल बनाया है, तो औचित्यपूर्ण है। ये औचित्यता जो है वह लोगों के ऊपर निर्भर होती है। अगर लोगों ने ही किसी भी व्यवस्था को सही नहीं बताया, लोगों ने उसको मूल्य नहीं दिया फलानी चीज़ को, कि भारत का लोकतंत्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसमें औचित्यपूर्णता नहीं रहती। तो औचित्यपूर्णता तब आती है जब लोग उसको स्वीकार करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर मेरे पढ़ाए लेसन को अनयूजफुल समझा, कहा कि जी तो फालतू पढ़ा रहे, कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह से जब आप लोगों ने ही मुझे सही नहीं ठहराया तो मैं औचित्यपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इस ये सिस्टम है कि किसी भी व्यवस्था को औचित्यपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब लोगों का उसके ऊपर विश्वास हो, लोगों ने उसको मूल्यवान माना है। यानी सिंपल थिंग्स हैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति होती है, जब लोगों ने सहमति दी तो कोई भी व्यवस्था है वो सही होती है। जैसे किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई है तो ऐसी सरकार वैधानिक स्थिति प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है, जिसमें गैर लोकतांत्रिक हो गैर वैधानिक हो। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा बना हुआ है, लोगों को उस पर विश्वास है, लोगों ने लोकतंत्र को काफ़ी वैल्यूएबल बनाया है, तो वहाँ पर औचित्यपूर्णता आ जाएगी। तो औचित्यपूर्णता किस वजह से टिकी है? जब लोगों ने उसको मूल्य दिया है। फोर नंबर पॉइंट देखें, वैधता यानी औचित्यता। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत अच्छी बताई है, वैधता यानी औचित्यपूर्णता, अगर ये किसी शक्ति के साथ जुड़ जाए तो फिर वह शक्ति क्या बन जाती है? सत्ता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सत्ता। देखिए शक्ति, मान लीजिए एक राजा के पास पावर है, एक राजा के पास पावर है और उस पावर के द्वारा उसने किसी राज्य को जीत लिया, किसी राज्य को जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत पाया, तो राजा ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, लोग उसका विरोध करेंगे, इसको भगा देंगे। लेकिन एक राजा ने अपने शक्ति के बल पे किसी राज्य को जीत लिया और उसने ऐसा कार्य किया क्या कि लोग भी उसे अपना राजा मानने लगे, लोगों का दिल उस राजा ने जीत लिया। तो क्यों जीता? क्योंकि लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया। जब शक्ति के पास वीरता आती है तो ये दोनों मिलकर सत्ता बनाती है। तो अब क्या होगा? अब वो जो राजा है वो वास्तविक शक्तिशाली हो गया, अब उसे कोई छीन नहीं सकता। या फिर ऐसी बात भी करें, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टी है, उसने अपने जोश, अपने दम पर, अपने शक्ति पर चुनाव में भाग लिया, चुनाव जीतेगी तब जब वह लोगों के दिलों को जीतेगी। यानी इस शक्तिशाली पार्टी को तभी सत्ता मिलेगी, तभी वह पार्टी जीतेगी जब उसमें वैधता हो। क्या हो? किसी भी शक्तिशाली पार्टी को सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए उसे वैधता प्राप्त करनी चाहिए, लोगों की सहमति, लोगों का औचित्यपूर्णता स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे यही तो बात है कि वैधता क्या करती है कि शक्ति को सत्ता में बदलने का एक साहस, एक गुण रखती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह आगे बढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट को, लास्ट पॉइंट है, वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित। देखिए वैधता यानी औचित्यपूर्णता है वह एक दो लोगों के विश्वास करने से नहीं बनती है। वैधता औचित्यपूर्णता, जैसे भारत में संविधान को सर्वोच्चता है, क्यों? क्योंकि भारत के सभी लोगों ने उस संविधान को इम्पोर्टेंट माना, उस संविधान को औचित्यपूर्ण माना, उस संविधान को वैदिक माना है, वैधानिक माना है, उसे वैधता प्राप्त की है। तो औचित्यपूर्णता एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं होती, इसकी व्यापकता होती है, ये सर्व जगह व्याप्त होती है। इसी तरह से सामाजिक यानी समाज में भी
किसी भी व्यवस्था को शक्तिशाली और स्थायी बनाना है तो उसे सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो वैधता एक आध लोगों के आधार पर डिपेंड नहीं होती है, वैधता है वह सामूहिक सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। अब आ जाते हैं लास्ट में कि औचित्यपूर्णता है, ये जो वैधानिकता है ये कब संकट में आती है, यानी वैधानिकता की सीमा। ओके, तो ये देख लेते हैं और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास या आपसे ले रहे हैं ना, तो 100% गारंटी है कि आप श्योर बेहतर मार्क्स लाएंगे। क्योंकि पिछली बार के स्टूडेंट का काफ़ी कमेंट आए कि सर आपने जो बताया आपका चैनल हमारे लिए काफ़ी लक्की हुआ, आप हैं तो हम बुलंदी छू लेंगे। तो बिल्कुल हमारा आपके साथ हमेशा सहयोग रहेगा। औचित्यपूर्णता का संकट, कब औचित्यपूर्णता संकट में आ जाती है, कहते ना कभी कभार कोई सही होते हुए भी संकट में पड़ जाता है। समझ में आया इस अपने हाईलाइट पॉइंट को हम समझा रहे हैं कि औचित्यपूर्णता कब संकट में पड़ती है, कब कोई सही चीज होते हुए भी संकट में पड़ जाती है। तो औचित्यपूर्णता का संकट किन वजह से होता है, तो पहली चीज है कि औचित्यपूर्णता संकट में कब होती है, जब नवीन अवस्थाएं आती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, संविधान औचित्यपूर्ण है, बिल्कुल है, सभी की स्वीकृति है, लेकिन समय के अनुसार अगर संविधान नहीं बदला होता तो आज संविधान औचित्यपूर्ण नहीं होता, आज संविधान को लोग दफना चुके होते। संविधान क्यों इम्पोर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि इसने नवीन अवस्थाओं को अपनाया है। हमारे संविधान में बदलाव होता रहता है, तो ये बदलाव ही उस संविधान को औचित्यपूर्ण बना रहा है। तो वैधता का, औचित्यपूर्णता का संकट क्या होता है, नवीन अवस्थाएं। अब यहाँ पे देखें, जब समाज और परिस्थितियाँ बदलती है तो नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीति व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को समय के अकॉर्डिंग स्वीकार करना होता है। राजनीति व्यवस्थाओं के समय की मांग को अनुभव नहीं करती तो वैधता भी संकट में पड़ जाती है। तो सिंपल थिंग्स है, समय परिस्थितियों को वैधता स्वीकार न करे या परिवर्तित नहीं हो तब ये जो वैधता है, वैधता क्या हो जाती है, संकट में पड़ जाती है। जैसे एक समय था नोकिया एक बहुत ही ट्रस्ट ब्रांड माना जाता था कि कौन सा फोन, तो कि नोकिया आंखें बंद करके लेते थे, लेकिन समय अकॉर्डिंग नोकिया ने अपने अकॉर्डिंग अपने अंदर ही बदलाव नहीं किया। एंड्रॉयड वर्जन आया जिसने एंड्रॉयड को स्वीकार नहीं किया और इस तरह से उसकी बादशाहत, उसकी वैधता समाप्त हो गई। तो यही है कि जब समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो औचित्यपूर्णता को इसके अकॉर्डिंग डालना जरूरी होता है। दूसरा है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आकांक्षाएं या आशाएं, व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आकांक्षाएं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आशाएं। कोई अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छे करने के लिए, हम अच्छा होने के लिए जो काम कर रहे हैं उसका मान लीजिए 10% ही अच्छा होगा। हम बात करें कोई चीज़ जिसे 100% अच्छी चीज़ हो, हम उम्मीद बहुत करते हैं किसी कार्य के प्रति, हम ज़्यादा उस कार्य से भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तब वैधता संकट में होती है। मानते हैं ना, आपने अगर थोड़ा सा परिश्रम किया है और आप मेरिट में आने की बात कर रहे हो, नहीं आते तो फिर आपके मन टूट जाता, दिल टूट जाता या विश्वास टूट जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि औचित्यपूर्णता तब संकट में होती है जब उससे ज़्यादा उम्मीद या ज़्यादा आकांक्षा की जाती है, तब औचित्यपूर्णता संकट में पड़ जाती है। इसके अलावा तीसरा संकट है नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न, नवीन समूहों के राजनीति में
प्रवेश, इसको समझिए। यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रवेश से उत्पन्न समस्या। देखिए, नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से, मान लीजिए एक पार्टी है, उसने बादशाहत कायम रखे हुई है, लोगों के दिलों पर राज कर रही है, उसको वैधानिकता प्राप्त है, लेकिन वह राजनीतिक पार्टी कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे चीज़ों को, ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी में शामिल कर देती है जो शायद उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो जब दोबारा फिर वो चुनाव लड़ेगी गलत चीज़ों के साथ, गलत तत्वों के साथ, तो इस तरह से उसकी जो वैधानिकता है वो टूट जाएगी। यानी राजनीति में, राजनीति एक औचित्यपूर्ण कही जाती है, लेकिन राजनीति में जब अपराध होता है, भ्रष्टाचार होता है, पैसों के नाम पर वोट होते हैं, ठीक है ना, या अपराधी है वो राजनीति में घुस जाते हैं, तो राजनीति में जब नवीन तत्व आते हैं, उस नवीन तत्व से जो वैधता है वो संकट में पड़ जाती है। एनी समय अकॉर्डिंग ऐसे तत्व जो आ जाए जो राजनीति को दुर्मिल कर दे, तो फिर संकट खड़ा होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके ये जो इम्पोर्टेंट मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और लिख दीजिए जो ज़रूरी है, प्रमुख परंपरागत संस्था। कोई ऐसी संस्थाएं जो परंपराओं से बनी है, उन संस्थाओं के लिए अस्तित्व का संकट। यानी प्रमुख परंपरागत संस्था, यानी ऐसी संस्थाएं जो काफी समय से बनी हुई है, कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो काफी समय से है लेकिन अब उसका अस्तित्व नहीं है, अब उस संस्था के पास कोई काम नहीं है, तो फिर वो औचित्यपूर्ण नहीं हो पाती। मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ याद करें जो पहले थी आज नहीं है, तो पहले वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, उसका काम धाम सब कुछ सही होता था, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन वह काफ़ी पुरानी चीज़ होगी, अब लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहा, तो फिर वैधता भी वहाँ संकट में आ जाती है। वैधता भी क्या आ जाएगी, संकट में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि वैधता को किस प्रकार प्राप्त और स्थिर किया जा सकता है, तो ये लास्ट अपना आज का इसमें पढ़ने वाला है, वो पढ़ लीजिए। वैधता को कैसे प्राप्त किया जाए, या हम ऐसे कहें कि वैधता को स्थिर कैसे रखा जाए, औचित्यपूर्णता, या हम कहें वैधता। देखिए, औचित्यपूर्णता यानी वैधता, वैधता कैसे प्राप्त की जाए, किसी भी सिस्टम में वैधता कैसे प्राप्त की जाए, और कैसे उस वैधता को स्थायी रखा जाए, कैसे उस वैधता को स्थायी रखा जाए, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, यानी पहला है परिवर्तनशील। पहला ये है कि हमें वैधता प्राप्त करनी है। मान लीजिए एक राजा को लोगों पर विश्वास बनाए रखना है, एज ए वैधानिक बनते रहना है, औचित्यपूर्ण बने रहना है, उसका शासन काफ़ी औचित्यपूर्ण होना चाहिए। तो जब समय बदलता है तो राजा को भी अपने नियम कायदों में बदलाव करना होगा, तभी तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और वह राजा राजा बना रहेगा। समय के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं बदलाव करेगा, समय के अकॉर्डिंग भारत में भी अगर संशोधन नहीं किया होता संविधान में, तो संविधान आज स्थायी नहीं रहता, तो परिवर्तनशील होना चाहिए। इसके अलावा परंपराओं की रक्षा करनी है। परंपराओं की रक्षा, देखो परंपरा किसी लोगों के विश्वास से जुड़ी होती है। अब अगर कोई शासन व्यवस्था लोगों की परंपराओं की रक्षा नहीं करते, तो लोगों का उस शासन, उस व्यवस्था, उस राज्य से, उस व्यक्ति से विश्वास टूट जाता है। तो परंपराओं की रक्षा होनी जरूरी है। मान लीजिए कि अगर एक पार्टी जो चुनाव में जीत कर आई, सरकार बने, उसने कहा कि शादी वगैरह नहीं की जाएगी, शादी खर्चा फालतू है, तो ये परंपरा थी,
सरकार ने उस परंपरा की रक्षा नहीं की, उस परंपरा को तोड़ दिया, तो लोग फिर दोबारा उस सरकार को वोट नहीं देंगे, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर उस सरकार को स्थायी बने रहना है तो लोगों की परंपराओं के साथ खेलना नहीं है, उस परंपराओं की रक्षा करनी है, तभी वैधानिकता स्थायी रूप से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा वैधानिक व्यवस्था की रक्षा, देखिए वैधानिक व्यवस्था का मतलब होता है कानूनी व्यवस्था, लोगों को कानूनी व्यवस्था की समझ होनी चाहिए और कानूनी व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। सही गलत है तो उसको कानून के द्वारा तोला जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सही होते हुए भी उसे सजा दी जाए, तो इस तरह से कानूनी व्यवस्था नहीं रहेगी। जब कानूनी व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, तो किसी भी सिस्टम को कानूनी व्यवस्था के द्वारा बनाया जाए, यानी कानूनी व्यवस्था को स्थायी रखनी है, कानूनी व्यवस्था की रक्षा करनी है, तभी लोगों का उस सिस्टम से विश्वास जुड़ा रहेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों के द्वारा, देखिए किसी व्यक्ति में कोई आकर्षक गुण है तो ये आकर्षक गुण उसकी वैधता को बढ़ावा देते हैं। जैसे एक राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वर्ग में चमत्कारी व्यक्तित्व गुण है तो सामान्य जन नेतृत्व व्यवस्था के प्रति सम्मोह करते हैं। कोटली से लेकर आधुनिक समय के मार्कुस सात्र तक इस बात पर बल दिया है कि किसी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व है तो वो उसको प्रभावशाली बनाता है। जैसे वर्तमान में बात करें अगर मोदी जी के पास ये बहुमत वाली पार्टी, क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है जो लोगों को उसके विश्वास दिलाता है। तो अगर किसी शासन व्यवस्था में वैधता प्राप्त करनी है या किसी सिस्टम को औचित्यपूर्ण बनाना है, वैधानिक बनाना है, तो उस पार्टी की बागडोर, उस संस्था की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को दे दो जो काफ़ी टैलेंटेड है। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी दुकान लगा दी, अब दुकान तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन दुकान शुरू कर दी, ऐसे व्यक्ति को बैठा है जिसके पास उस काम को करने का नॉलेज टेक्निक वगैरह नहीं है, तो इस तरह से न मेरी दुकान चलेगी न लोगों को उस दुकान से ऊपर विश्वास होगा। लेकिन मैं उस दुकान को अगर चलाता हूँ और एक ऐसे ज़बरदस्त व्यक्ति को बैठाता हूँ जो लोगों को आकर्षित करता है, तो दुकान भी चलेगी, लोगों का उस दुकान से विश्वास भी जुड़ेगा और कहेंगे कहाँ जाना है, फलानी दुकान पर जाना है। तो इस तरह से लोगों का उससे विश्वास उठता है, वैधानिकता जुड़ता है। क्यों? क्योंकि उस शक्ति, उस वैधानिकता का प्रयोग करने वाला व्यक्ति चमत्कारी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजिकल अच्छा हो, व्यक्तिगत गुणों से भरपूर हो। जैसे मैं बात करूं कि मोदी जी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, उनके पास ऐसा व्यक्तित्व था कि लोगों को सम्मोहित कर सकते थे, तो तभी लोगों को उन पे ऊपर ट्रस्ट था, सत्ता बनी रहती थी। तो यही है वो गुण जिससे सत्ता स्थायी रहती है। तो ये थी आज की क्लास, मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताइए। तो बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस अपनी जो महत्वपूर्ण जो क्लास है उसको नोट भी कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।